दिव्य सृजन समाज के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, जिज्ञासुओं, जैसा कि विदित है कि हम सब योग की चर्चा करते हुए आ रहे हैं और लगभग पतंजलि योग सूत्र के सभी सूत्रों पर चर्चा हो गई है, तो अब समझने की आवश्यकता यह है कि योग सूत्र कह क्या रहा है। ये तो चलिए हमने सूत्र को लेकर, क्योंकि हम करते गए सभी सूत्रों पर चर्चा, क्योंकि हमने ये कह रखा था, ये वचन दे रखा था कि हाँ, संपूर्ण योग सूत्र पर पूरी चर्चा होगी इस चैनल के ऊपर, तो वो पूरी हुई है। तो योग सूत्र के आखिरी सूत्र, प्रथम सूत्र से लेकर अथ योगानुशासनम, यह पहला सूत्र था, से लेकर आखिरी सूत्र तक चर्चा हुई है। तो उद्देश्य क्या है कि हम योग को समझ पाए, योग की वास्तविकता को समझ पाए, क्योंकि आजकल लोग योग कर बहुत रहे हैं लेकिन योग को समझ नहीं रहे हैं कि योग है क्या चीज और योग क्यों करना चाहिए। वास्तविक उद्देश्य उन्हें नहीं पता है। योग सूत्रों को समझ लेने से वो उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से हमें योग करना चाहिए। तो अब आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि वीडियोस बनाने में जो है मेहनत लगती है और जो है हर तरह से दिमागी, थोड़ा सा शारीरिक मेहनत उतना नहीं है लेकिन दिमागी तो लगता ही है, थोड़ा शारीरिक भी है, तो इसलिए जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें लोगों को। और वास्तविक उद्देश्य योग का लोगों तक पहुंच सके, अध्यात्म का, योग का, कि वास्तविक में तमें अध्यात्म क्या है, योग क्या है, हम क्या कर रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है और क्या शास्त्रों में कहा जा रहा है और क्या होना चाहिए, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से आपको योग का सार क्या है, संपूर्ण जो योग सूत्र लिखा गया, प्रथम पाद समाधि पाद, द्वितीय पाद साधना पाद और तीसरा विभूति पाद और चौथा जो है वो आपके कैवल्य पाद, अंत में जो कैवल्य की चर्चा है, तो इसकी एक बार हम सबके ऊपर एक दृष्टि डालते हैं कि प्रारंभ से लेकर अंत तक जो कहा जा रहा है सूत्रों के अंदर, उसका सार क्या है, उसका मूल सार तत्व को हम आज यहां पर आपके समक्ष रखेंगे, जो बात समझ में आती है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि योग सूत्र में एक विषय पर चर्चा है और जिस विषय पर प्रारंभ है उसी विषय पर अंत है, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि विषयांतर हो रहा हो, कहीं नहीं मिलेगा कि एक जगह पर कोई दूसरे विषय की चर्चा हो रही है, किसी कहीं पर और कोई विषय की चर्चा शुरू हो गई, नहीं, हर बात एक ही विषय से संबंधित है। और प्रथम क्या है, अथ योगानुशासनम, ये प्रथम सूत्र है कि योग के अनुशासन को बताया जाएगा योग शास्त्र के अंदर, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या कही जा रही है कि योग चित्त, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये दूसरा सूत्र है, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त और वृत्तियां, तो जब चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर तीसरी बात तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, कि अपने स्वरूप में स्थित होना, स्वरूप की अवस्था को प्राप्त कर लेना, ये योग का लक्ष्य है। तो जिज्ञासुओं, ये दो बातें हैं, ये तीन बातें, अनुशासन, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग जो है वो चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है, और अनुशासन हो गया, तो ये सारी बातें और स्वरूप में स्थित होना, ये जो तीन बातें हैं, इन तीन बातों को लेकर शुरू से लेकर अंत तक जो है इसका वो दिया गया है, व्याख्या दी हुई है कि कैसे ये काम, चित्त वृत्तियों का निरोध कब कर पाओगे, जब जान लोगे कि चित्त क्या होता है और वृत्ति क्या होती है, और इसका निरोध करने के लिए करना क्या पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो जब हम इन सब चीजों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम जान जाते हैं कि हाँ, योग का वास्तविक अर्थ क्या है। तो प्रथम अध्याय क्या कहता है, प्रथम अध्याय है समाधि पाद। तो महर्षि पतंजलि ये पहले स्पष्ट करते हैं कि समाधि के द्वारा ही चित्तवृत्ति निरोध हो सकता है। जब तक आप समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक चित्तवृत्तियों का निरोध करना संभव कदापि नहीं है, वो समाधि की अवस्था में ही निरोध होगा, उससे पूर्व वृत्तियां रहेंगी,
चित्त का भी अस्तित्व रहेगा और वृत्तियां भी रहेंगी। इसलिए सर्वप्रथम वो उस अवस्था के बारे में बता रहे हैं कि जिस अवस्था में जाकर चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अब वो आगे की बातें समझाना, इसलिए समाधियों का वर्णन संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन समाधिपाद में ही मिल जाता है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो साधना पाद पर जो है समाधि पाद पर प्रथम जो पाद है उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट है, चारों पादों की प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगी अगर आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो चारों पाद समाधि पाद साधना पाद और विभूति पाद और कैवल्य पाद, इन चारों की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप अवश्य ही इसका लाभ उठाएं। तो समाधि पाद में इसका वर्णन, एकाग्रता के महत्व का वर्णन कि कैसे हमें एकाग्र होना है, कितने प्रकार की वृत्तियां हमारे अंदर चलती हैं, पंच वृत्तियां चलती हैं, प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृति। तो प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृति, प्रमाण जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, वो विचार वृत्ति चलती है, विप्रय जो है वो मिथ्या हो गया, और विकल्प जो काल्पनिक हो गया, जो कल्पनाओं पर आधारित है, जो ऑप्शनल है, विकल्प है, तो विकल्प थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं, हमारी कल्पनाओं पर आधारित होते हैं, जहां हम जा नहीं सकते, हम उन जगहों का ख्वाब देखना लगते हैं, कामनाएं करने लगते हैं और उन कामनाओं के वशीभूत कल्पना भी करते हैं। तो इस प्रकार से प्रमाण विप्रय विकल्प, फिर निद्रा भी अपने आप में एक वृत्ति है, निद्रा को भी एक वृत्ति बताया है, प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा और स्मृति, स्मृति में जो बातें रह जाती हैं वो तो आप चेक कर लीजिएगा, 2400 घंटे में आपके मस्तिष्क में, आपके मन मस्तिष्क में इन्हीं पांचों में से कोई ना कोई चल रहा होगा, इन्हीं पांचों में से, प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृति, वो इन पांच कैटेगरी में आएगा, जितने भी, निद्रा तक को नहीं छोड़ा गया। नींद में जब हम सो जाते हैं, थॉट ऑफ नथिंगनेस उसे कहा है, मतलब उस समय भी तरंग रहती है, वृत्ति रहती है, इसलिए उसे वृत्ति, निद्रा भी एक वृत्ति है जो कि हमें बांधे हुए है इस शरीर के बंधन में, हमें कैद खाने में रखती है, तो इसलिए इसको भी वृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। आहा, और फिर स्मृति को भी वृत्ति के रूप में, तो ये पंच वृत्तियां, इनको शांत करना, इनका निरोध करना कैसे संभव हो पाएगा, ये महर्षि पतंजलि फिर जैसे ही वो साधना पाद में प्रवेश करते हैं, तो साधना पाद के अंदर महर्षि पतंजलि क्रिया योग के विषय में चर्चा करते हैं कि तपस्या हो गया और ईश्वर का ईश्वर प्रणिधान हो गया, तो ये सारी जो है ये एक क्रिया योग की श्रेणी में आ जाता है। और फिर आगे बढ़ते हुए महर्षि कैसे किस प्रकार से अभिमान अविद्या उत्पन्न हुई, अविद्या से अस्मिता, फिर राग द्वेष क्लेशों का उत्पन्न हुआ, ये सारे चीजें उत्पन्न होती गई और इंद्रियां हुई और जीव जो है एक बंधन में आने लगा, पुरुष जो है इस भोग वृत्ति जीव के अंदर आने लगी, इन सब चीजों के कारण अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, तो इनके कारण ये जो क्लेश है, ये पंच क्लेशों की चर्चा फिर साधना पाद में मिलती है। तो पंच क्लेश विकसित हो गए जो दुखदायी है, जो जीव के लिए कष्टदायी है, तो पंच क्लेशों के विकसित होने के बाद जो है फिर महर्षि पतंजलि अष्टांग योग की चर्चा करते हैं कि कैसे इस पर विजय प्राप्त किया जाएगा। तो अष्टांग योग धीरे धीरे, पहले तो अपने जो चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, स्वच्छता हो गई, पवित्रता हो गई, यम नियम, नियम एक बनाओ जीवन जीने का, किसी समय खाना जरूरी नहीं है, एक नियम से समय से भोजन कीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर भी उसी नियम से फिर कार्य करेगा, सबका अपना नियम है, सूर्योदय का नियम है, सूर्यास्त का नियम है, तो आपको भी अपना नियम बनाना पड़ेगा, प्रकृति एक लय में बंधी हुई है तो आपको भी लयबद्ध होना पड़ेगा। आप संगीत चलता है ना, जो संगीत लयबद्ध नहीं है, जो संगीत सुर ताल में नहीं है, वो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, वो हमें बांधता नहीं है, जो संगीत सुर और ताल में बंध कर गाया बजाया जाता है वही हमें बांधता है, वही हमें सुंदर लगता है। ठीक, तो ये विचारणीय तथ्य, इसलिए महर्षि पतंजलि यम नियम बहुत महत्वपूर्ण है, पहले अपने आप को लयबद्ध करो, नियमबद्ध करो, उठना सोना खाना पीना उसका एक अपना नियम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, और उस समय के अनुसार उसको जब बद्ध करोगे तो समय में बंधने का एक अभ्यास बनेगा। तो अभ्यास, साधना शब्द का अर्थ ही है अभ्यास, सुर साधना, सुर साधना मतलब जब सुरों को साधते हैं हारमोनियम पर, तानपुरा लोग बजाते हैं तो तानपुरे पर हारमोनियम में लोग सुरों को साधा करते हैं, तो सुर साधना, तो साधना मतलब प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, अभ्यास शुरू कीजिए, फिर एकाग्रता का अभ्यास, यम नियम, फिर आसन, एक जगह बैठने का अभ्यास,
आसन के लिए महर्षि ने इतना ही कहा है कि एक जगह बैठने का अभ्यास कीजिए, सुख से एक समय एक ही पोस्चर में जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, करिए योग। ये निचली सीढ़ियां हैं यम नियम और आसन, ठीक ना। तो यम नियम का पालन करना, आसन का पालन करना और ये सब करते हुए फिर प्राणायाम, आसन जब होने लगे तो प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। आती जाती श्वासों में एकाग्रचित प्राणायाम के और भी कई प्रकार हो सकते हैं, यौगिक क्रिया जिसको कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्राणायाम है क्या तो श्वासो प्रश्वासो गतिर विच्छेद इति प्राणायाम। अर्थात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि श्वासो प्रश्वासो गति विच्छेद, श्वास प्रश्वास की गति का निरोध, विच्छेद कर देना, रोक देना, यह प्राणायाम है, यह वास्तविक प्राणायाम। इसलिए हमको प्राणायाम, इस प्राणायाम को करना है और फिर प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार की व्याख्या आती है, प्रत्याहार करना, एकाग्रता को विकसित करना है, अपने मन को हमें एकाग्र करने करना प्रारंभ कर देना है, विचारों का निषेध करना है, विचारों को अब अनुसरण करो अपने थॉट्स को कि मन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। एक समय पर कोई थॉट ट्रिगर हो जाता है, एक समय पर कोई थॉट, एक समय हम भय के वशीभूत हैं तो दूसरे ही घंटे में हम आधा घंटा भय के वशीभूत रहे तो अगला एक घंटा में हम काम के वशीभूत में आ गए किसी कारण से, तो कभी हम लोभ के वशीभूत में आ गए, कभी अहंकार में आए, कभी हम मोह में आए, तो ये चलता रहता। ये कब चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये ट्रैक हमारा माइंड जो है वो ट्रैक चेंज करता रहता है, तो उसके ट्रैक चेंजिंग को आप फॉलो कीजिए, दैट इज प्रत्याहार, और उसको रोकिए, ठीक ना। तो कैसे अपने कंट्रोल में उसको ले आइए थॉट प्रोसेस को, तो ये प्रत्याहार है। जब आप थॉट प्रोसेस को अपने कंट्रोल में ले आते हैं तो वो प्रत्याहार है, ठीक। फिर प्रत्याहार के बाद धारणा, फिर एकाग्रता। धारणा से एकाग्रता तो पहले से ही शुरू है, अभ्यास एकाग्रता का ही करना है, फिर एक जगह बैठकर श्वासों को स्थिर करते हुए एकाग्रता करना, ये फिर एकाग्रता शुरू होती है, धारणा शुरू होती है। तो विचारों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, थॉट्स को हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। अब कोई बहुत योगा अभ्यास, मुझे ऐसे योगी लोग मिले जो हठ योगी हैं, बहुत योगा अभ्यास करते हैं, ऐसे ऐसे आसन करते हैं कि भाई वो दूसरे कोई नहीं कर सकता है उसको, ऐसा कठोर, लेकिन विचारों पे वैसा नियंत्रण नहीं, क्रोध आवेश और जो है महत्वाकांक्षाएं और कामनाओं का जो वेग है, जो बाढ़ है, उनके मन में उठता रहता है, तो सही से अभ्यास नहीं हुआ है और योग के सही लक्ष्य को समझा नहीं गया है, इसलिए ऐसा होता है। तो आगे बढ़ते हुए अभ्यास करते हुए, जब हम बहुत अभ्यास करते हैं, धारणा से हम आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो एकाग्रता विकसित होने के कारण हमारे अंदर शक्तियों का विकास होता है, सिद्धियों का विकास होता है, सिद्धियां विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, पावर्स, सुपर नेचुरल पावर्स आने लग जाते हैं। हम एकाग्रता मात्र से किसी वस्तु पर हम कॉन्सेंट्रेट कर लें तो उसका संपूर्ण ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, हम उसके बारे में सब कुछ जान लें, किसी के मन का अध्ययन हम बहुत आसानी से कर ले, फलाना व्यक्ति हमें मिलने आया है या बात कर रहा है, वो क्यों बात कर रहा है, हम उसको जान ले, हम उसको समझ ले, ये होना शुरू हो जाता है जब हम धारणा से आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान तो एक सिद्धि है, ध्यान तो परमानंद की अवस्था है, जहां पर हम परमानंद की उपलब्धि, एक ही भाव हो जाता है योगी, एक ही भाव हो जाता है, और फिर उसकी परिपक्वता, जब एक ही भाव भी नष्ट होने लगे, एक वृत्ति, एक ही भाव कहने का मतलब भाव और वृत्ति का तात्पर्य एक ही है लगभग, जब एक वृत्ति, हमने कहा काम वृत्ति और काम भाव, बात तो एक ही है ना, तो जब एक ही वृत्ति का प्रवाह रहता है, बाकी सारी वृत्तियों का निषेध हो गया, निरोध हो गया, मात्र एक वृत्ति चलती रहती है, तो वो ध्यान की अवस्था है, वो ध्यान की अवस्था है। और फिर जब वो वृत्ति का भी नाश होने लगे, वो वृत्ति का भी निरोध होने लगे, जो एक आखिरी बची थी, तो समाधि घटित होगी, फिर समाधि आएगी, तो और उस समाधि से फिर धर्म मेघ समाधि आएगी, और धर्म मेघ समाधि के बाद कैवल्य की अवस्था आएगी। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से अपनी एकाग्रता का प्रयोग करते हुए योगी ऐसा कर लेता है। जो ध्यान सिद्ध योगी है, धारणा के बाद जो ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनका कंट्रोल अपने सूक्ष्म शरीर पर होता है, वो सूक्ष्म जगत में यात्रा कर सकते हैं, वो अपने एकाग्रता शक्ति से कई चीजों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं, ऐसा संभव है, अगर आप अभ्यास करेंगे तो संभव होने लगेगा, ठीक। खुद मैंने अपने जीवन में साधना करते हुए लगभग 17-18 वर्षों से ध्यान करते हुए, 18 नहीं ज़्यादा ही हो गया, 20-21 वर्ष हो गए, तो अभ्यास करते हुए
जब 12वीं कक्षा में था मैं, तब से ही मैंने ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया था अपने आप। कुछ मैं उस समय मेरे घर में एक अंग्रेजी की पेपर आया करता था, उसमें महर्षि महेश योगी के लेख आया करते थे, तो उसमें कुछ कुछ टेक्निक्स मेडिटेशन की बताई जाती थी, तो उनको देखते हुए विवेकानंद का साहित्य पढ़ना उस समय से ही शुरू कर दिया। फिर कई संस्थाओं के उसमें भी जाना शुरू कर दिया, और फिर वो अलग बातें हैं, वो अनुभूति एक अलग है जो मैं आपके समक्ष बाद में अवश्य रखूंगा। तो इस प्रकार से अभ्यास करते करते मैं, ये बातें गलत नहीं लिखी गई हैं, हवा में नहीं लिखी गई, अगर आप एकाग्रता को विकसित कर ले सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना भी संभव हो जाता है योगी के लिए, पर काया प्रवेश कर सकता है वो, अष्ट सिद्धियां उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। तो अष्ट सिद्धियों का वर्णन भी चैनल में है, आप नीचे देख सकते हैं, चैनल के अंदर अष्ट सिद्धियों का वर्णन मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से योगी आगे बढ़ता हुआ वृत्तियों का निरोध करता हुआ फिर महर्षि पतंजलि जब कैवल्य पाद में आते हैं, तो चित्त क्या है विशेष रूप से इस बात पर फोकस है, क्योंकि चित्त वृत्ति निरोध है, यही तो लिखा गया ना। तो अगर चित्त का ही निरोध हो जाए, अगर चित्त का ही लय हो जाए, जब चित्त ही नहीं रहेगा तो फिर कोई वृत्ति नहीं रहेगी, और फिर पुरुष और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित नहीं होगा, क्योंकि ये चित्त ही है जो पुरुष और प्रकृति को बांधे हुए है। ये महर्षि पतंजलि चित्त के ऊपर, जो लोग कहते हैं कि चित्त हमें समझ में नहीं आता कि चित्त क्या चीज है, वो महर्षि पतंजलि ने कैवल्य पाद के अंदर चित्त की व्याख्या की है कि चित्त आखिर में है क्या। तो चित्त को समझो, चित्त के अंदर ही वृत्तियां चल रही हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल का पर्दा है ना, उस पे फिल्म चल रही है, पर्दा हटा दो फिल्म चलने का आधार खत्म, ठीक ना। तो कैवल्य की वो अवस्था है जहां पर यह चित्त का लय हो जाता है, चित्त नहीं रहता, और जब चित्त नहीं रहेगा तो प्रकृति के जितने भी दृश्य हैं उस पर प्रतिबिंबित होने बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो महर्षि पतंजलि फिर चित्त वृत्ति निरोध कहते हुए चित्त की व्याख्या कर लास्ट में कैवल्य को समझाते हैं कि कैवल्य कैसे घटित होता है, कैवल्य कैसे आता है। तो ध्यान करते करते, एकाग्रता को विकसित करते करते अभ्यास शुरू कीजिए, और बहुत जरूरी है आज के समय में, इसकी जरूरत बढ़ने वाली। आप देख रहे हैं ना आजकल क्या माहौल, कोरोना वायरस का कैसा माहौल चल रहा है, तो बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें, जाने माइंड हमारा किस प्रकार से काम करता है, चित्त में वृत्तियां कैसे चलती है, कैसे कंट्रोल में लेना चाहिए, इन सब चीजों को हम जाने समझें तो निश्चय ही हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कम एक स्वस्थ जीवन, चलो कैवल्य की प्राप्ति हमें होगी वो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम हम एक स्वस्थ जीवन तो अवश्य जिएंगे। मन से भी एक मजबूत मनोबल से भी हम मजबूत रहेंगे, और डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिसीजन पावर जो है हमारा, वो सब बहुत स्ट्रांग रहेगा, और हम शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार से गंभीरता से विचार करते हुए अभ्यास शुरू करें, ना हो मुझे संपर्क करें, फोन करें, मुझसे जो बन पड़ता है मैं आपकी सहायता करूंगा, मेरे पास आ सकते हैं। अब तो आना जाना बहुत मुश्किल है, एक समय था बचपन में हम लोग सोचते थे कि भाई फलाना व्यक्ति दिल्ली गया है, मुंबई गया है, बाप रे कितनी दूर गया है, ठीक है। पहले था कि कोई एक व्यक्ति गांव से दिल्ली जाता, मुंबई जाता, बैंगलोर जाता काम के उद्देश्य से, जो भी है। आज देखेंगे आप तो असंख्य लोग पहुंचे, पूरा गांव ही वहां गया हुआ है, जहां पर भाई कंस्ट्रक्शन ज्यादा है, जहां पर तो लोग मजदूर लोग जो है अपनी कमाई के लिए अन्य भी किसी ना किसी कार्य हेतु जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो ये चीज है, लेकिन अब तो माहौल बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है कई चीजों में, और चाहे वो जैसा भी है हमें माहौल को अच्छा करना है, और हमें योग का प्रसार करना है। योग और आवश्यकता, इससे समझ लीजिए योग की नितांत आवश्यकता बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है, इसलिए जुड़े रहें। ऑनलाइन ये एक अच्छा माध्यम है ऐसी परिस्थितियों में जब लॉकडाउन है तब, कि हम चीजों से जुड़े रहें और चीजों को गंभीरता से समझें। मन छोटा हो, डिप्रेशन स्ट्रेस आए तो फोन कीजिए, बात कीजिए, तो अवश्य ही समाधान मिलेगा। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है, अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें।
बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।